वॉन्ट और नीड, ये हमने समझ लिया। वॉन्ट चाहिए, नीड भी चाहिए। वॉन्ट ख्वाहिश के तौर पर चाहिए और नीड जरूरत के तौर पर चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे बंगला चाहिए, आई वॉन्ट बैंगलोर, मुझे रूम चाहिए, आई नीड ए रूम, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। ये समझ में आ गया। अब वॉन्ट टू फॉर डिजायर्स, बड़ी ख्वाहिश के लिए, वो काम जो हम करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट है इसका, वो काम जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं हज अदा करना चाहता हूँ, ये छोटी ख्वाहिश है? नहीं, बड़ी ख्वाहिश है। आई वॉन्ट टू परफॉर्म हज, मैं हज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू परफॉर्म शादी, वेरी गुड बेटा। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, ये एक बड़ी ख्वाहिश है। मैं जीतना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विन, मैं जीतना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो वॉन्ट टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम? हम वॉन्ट टू को इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें अपनी ख्वाहिश की बात करनी है, वो काम जो हम करना चाहते हैं एज पर आर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। समझ में आ गई। अब नीड टू की तरफ आए, तो नीड टू क्या है? वो काम से करने की हमें ज़रूरत है, वो काम से करने की हमें ज़रूरत है। स्टूडेंट कह रहा है सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सर। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। वो कह रहे हैं मैं हज अदा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू परफॉर्म हज, तुम्हें दुआएं करने की जरूरत है कि अल्लाह बुला ले आपको, यू नीड टू प्रे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगी। मैं जीतना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विन, मैं जीतना चाहता हूँ। वो जीतना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू विन, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ऐसा इजाफा करेंगे, ठीक है। वो जीतना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू विन, वो जीतना चाहती है, वो जीतना चाहती है, वो जीतना नहीं चाहती, शी डजंट वॉन्ट टू विन, वो जीतना नहीं चाहती, वो जीतना नहीं चाहती। क्या वो जीतना चाहती है? डज शी वॉन्ट टू विन, डज डज आ गया, एस रिमूव करेंगे। क्या वो जीतना चाहती है? क्या वो जीतना चाहती है? डज शी वॉन्ट टू विन, क्या वो जीतना चाहती है? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू कम, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आप ये गुस्से में कह रहे हैं, तुम्हें आने की जरूरत, यू डोंट नीड टू कम, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू नीड टू मिसबिहेव, तुम्हें बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कम हेयर, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कम हेयर, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। वॉन्ट टू वो काम जो हम करना चाहते हैं, वॉन्ट टू वो काम जो हम करना चाहते हैं, और नीड टू वो काम से करने की हमें जरूरत है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? ठीक है।